भारत जब आजादी हुई तब देश में 20% लोग साक्षर थे, 80% लोग निरक्षर थे। आज आजादी की 75 साल के बाद भारत में 20% लोग निरक्षर है, 80% साक्षर है। ये 20% लोगों को जब तक हम साक्षर नहीं बनाएंगे तब तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पूरा करना संभव नहीं है। आपकी मदद चाहिए मित्रों, विशेष करके ओडिशा रे, आंगनबाड़ी रे, स्कूल रे राष्ट्रीय शिक्षा नीति अनुजाई 100% पिला भर्ती होती पिलाटी 12 गला बेलू ये कमी दौर पिलाटा 12 पर्यंत जदि विशेष करके महिला छात्री की न पढ़ ताहले ये दुई पीढ़ी समस्या क्रिएट निज जीवन तो समस्या हम ही तार छुआ मान जीवन भी समस्या हम माँ टी जदि मैट्रिक पाठ पढ़ी जाइव 12 क्लास पास कर आपे आपे से दुनिया चाबी खाटी ता हाथ को आसी आपयोग दरकार ड्रप आउट कम गुणात्मक क्वालिटी एजुकेशन पिलामाने स्कूल को गले केवल हमने सरपंच समिति मेंबर ब्लॉक चेयरमैन जिला परिषद भाई भाई मैंने निज निज अंचल स्कूल को जाए बुल्कि देखी आस पढ़ा प्रधानमंत्री मध्यान भोजन अवस्था कौन आपण मानकर देख रेख टे अभिभावक अनेक मदद करेक सहयोग कर ये काम गुड़िक आपण को मोर अपेक्षा मुख्य शासन सचिव नहांती मु प्रदीप भाई मध्यम गोटे कथा को अनुरोध करने चाहू कथाटी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने प्रधानमंत्री देश में 14,000 एक्जामपुलर स्कूल या निर्णय कर स्कूल पिछा 2 कोटी टंका लेखा खर्च करके प्रति ब्लॉक रे राज्य सरकार ही निर्णय कर प्रति ब्लॉक रे 2 स्कूल को नि गोटे स्कूल पिछा 2 कोटी टंका खर्च कर ये योजनार ना है पीएमसी मु आप संरक्षण चाहिए मो स्कूल हो भल हो ना भी हो किंतु पीएमसी स्कूल हो ओडिशा 800 स्कूल मिल म्युनिसिपैलिटी पंचायत कृषि 800 स्कूल मिल 1600 कोटी टंका मिल एपर्त ओडिशा सरकार इतने एमओयू करना मु प्रदीप भाई को आदरणीय बासंती अपन को अनुरोध करु आपण मान्यवर मुख्यमंत्री को आज आसवर मूल उद्देश्य था मुख्यमंत्री को अनुरोध अनुरोध प्रधानमंत्री विजन रिओ से पाठ पढ़े ग्रामांचल छुआ मैंने पाठ पढ़े उच्च स्तर को नापाई समस्त को सेन्ट्राल स्कूल दरकार समस्त को आदर्श विद्यालय दरकार समस्त को नवोदय विद्यालय दरकार से भाया पीएमसी स्कूल हम मोर अनुरोध ओडिशा सरकार से योगदान करने।